जब तक फ्रांसीसी सफीर यहां से नहीं निकलता, हम रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस पे पहरा देने के लिए बैठे हैं। जब तक किबला अमीर मोहतरम साद हुसैन रजवी साहब नहीं आते, उस वक्त तक हम यहां पे बैठे हैं। पानी पिलाओ जी, इन्हें पानी पिलाओ। डंडा मारे ये पाकिस्तान की तस्वीर है। पाकिस्तान एक बार फिर से उसी आग में झुलस रहा है जिस आग के मंसूबे के साथ उसका जन्म हुआ था और जिसके बाद वो पूरी दुनिया में इस आग को फैलाने की कोशिश में लगा रहता है, खासतौर पर कश्मीर में। यह आग है इस्लामिक कट्टरपंथ की आग। पिछले दो दिनों से पाकिस्तान में बरेलवी कट्टरपंथी सेक्ट TLP यानी तहरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुनों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान के तमाम बड़े हाईवेज, मोटरवेज और तमाम सड़कों को ऐसा जाम करके रखा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से थम चुका है। वहां की सरकार, सुरक्षा एजेंसियां घुटनों पर हैं। ये तस्वीरें देखिए। दरअसल ये प्रदर्शन तहरीके लबैक पाकिस्तान के कट्टरपंथी बरेलवी सेक्ट के फॉलोअर्स कर रहे हैं। जगह लाहौर है, कराची है, गुजरावाला है, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में फिलहाल ये प्रदर्शन इस वक्त जारी है, सड़कों पर जारी है, सड़कें जाम हैं, रोड पूरी तरह से जाम है और सुरक्षा एजेंसियां इन रोड्स को, इन जाम को खुलवाने में पूरी तरह से नाकाम है। दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है नवंबर महीने में, साल 2020 में। नवंबर महीने में फ्रांस में कुछ कार्टून शाया होते हैं जिसमें इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के कुछ कार्टून साफ वहां पर प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में कुछ बड़े प्रदर्शन होते हैं और उस प्रदर्शन को करने वाले एक बड़ा सेक्ट इस्लामिक मुस्लिमों का होता है, वो है बरेलवी सेक्ट तहरीके लबैक पाकिस्तान, जिसके खादिम हुसैन रिजवी वो उस प्रदर्शन का, इस प्रोटेस्ट का वो उसको लीड कर रहे होते हैं। और उस वक्त भी पाकिस्तान में ज़बरदस्त प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उस वक्त 16 नवंबर को एक समझौता होता है पाकिस्तान सरकार में और TLP यानी खादिम हुसैन रिजवी की सेट के बीच में, कि वो फ्रांस के जो एम्बेसडर है उनको उस देश से बाहर निकाले और जितने भी फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स हैं उन पर तमाम प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाएं, फ्रांस पर संबंध तोड़े और इसके साथ साथ फ्रांस पर लगातार दबाव बने। यहां तक कि खादिम हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करें पाकिस्तान फ्रांसीसी सरकार के खिलाफ, क्योंकि वहां पर पैगंबर मोहम्मद के कार्टून साया हुए हैं, वो पब्लिश हुए हैं, उन्होंने ब्लास्फेमी की है। हालांकि 16 नवंबर को एक समझौता होता है पाकिस्तान की सरकार के बीच और खादिम हुसैन रिजवी के बीच। उस वक्त 3 महीने का वक्त दिया जाता है कि वो फ्रांसीसी सरकार के साथ अपने संबंधों पर विचार करेगी और फ्रांसीसी एम्बेसडर को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये समझौता होता है, समझौता कि जो मियाद थी वो 16 फरवरी रखी गई। हालांकि उसके बाद कुछ ही दिन बाद, यानी 3 दिन बाद, 19 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी की अचानक मौत हो जाती है संदिग्ध हालत में। लेकिन उसके बाद उसका बेटा साद हुसैन रिजवी TLP यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान का चीफ बनता है, लेकिन वो भी अपने पिता के, अपने बाप के नक्शे कदम पर खड़ा दिखाई देता है। और जैसे जैसे 16 फरवरी की तारीख बीतती है तो उस वक्त फिर से वो ये कहता है कि 20 अप्रैल तक की मियाद वो मोहलत सरकार को फिर से देता है। अगर 20 अप्रैल तक कार्रवाई नहीं हुई, यानी फ्रांसीसी एम्बेसडर को पाकिस्तान से बाहर नहीं निकाला गया, उसके साथ संबंधों को नहीं तोड़ा गया, फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स पर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो टीएलपी फिर से प्रदर्शन करेगी। यानी खादिम हुसैन रिजवी भले ही वफात पा गए हों, लेकिन जो उनका प्रदर्शन है, उनकी मांगे हैं, वो अभी भी कायम है। रविवार को यानी 12 अप्रैल को वो एक वीडियो जारी करते हैं और अपने कारकुनों को एक संदेश देते हैं कि भाई वो 20 अप्रैल के प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाए। जब तक फ्रांसीसी सफीर यहां से नहीं निकलता, हम रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस पे पहरा देने के लिए बैठे हैं। जब तक किबला अमीर मोहतरम साद हुसैन रजवी साहब नहीं आते, उस वक्त तक हम यहां पे बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को लगता है, सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि इससे पहले कि प्रदर्शन की तैयारी हो, इससे पहले वो उसको लाहौर में घुसने के वक्त गिरफ्तार कर लेते हैं। बस इतना ही काफी था। कुछ ही घंटों बाद पूरे पाकिस्तान में तहरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुन हर एक मोटर हाईवे पर, हर एक हाईवे पर, सड़क पर, मोटरवे पर, जगह जगह जाम लगा देते हैं, आगजनी करते हैं और पूरी तरह से पाकिस्तान में चक्का जाम कर देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये उनकी गवाह है।
लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उसके लिए तैयार नहीं होती, और जो पुलिस खासतौर पर पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के, वहां पर पुलिस के साथ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो जो हालत करते हैं वो अपने आप में बेहद ऐसे विध्वंस है, मैं आपको दिखा नहीं सकते। जगह जगह पुलिस के रेंजर्स के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नारे उनसे लगवाए जाते हैं, जगह जगह उनकी सर फोड़ा जाता है और उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। कुछ तस्वीर आप देखिए, इस प्रदर्शन के दौरान प्रशासन इतना हिंसक हो जाता है कि इसमें पुलिस को पुलिस उसमें जवाबी कार्रवाई में गोली चलाती है, जिसमें द डॉन न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट कहती है कि 12 टीएलपी के कारकुन मारे जा चुके हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती, बदले में और हिंसा होती है सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल पंजाब पुलिस का पाकिस्तान प्रांत के लाहौर पुलिस का एक कांस्टेबल मारा जाता है और दर्जनों पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल होते हैं। तस्वीरें मैं आपको बीच बीच में दिखा रहा हूं। ये हालत इस वक्त लाहौर पुलिस की बनी हुई है, ये हालत इस वक्त पाकिस्तान की बनी हुई है। लोग परेशान हैं, लेकिन मीडिया में इसको कहीं ना कहीं अभी भी दबाने की कोशिश जारी है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन को लेकर और सरकार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगातार इस तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश पाकिस्तान सरकार के खिलाफ चली की जा रही है। लेकिन यहां पर दिलचस्प ये है कि ना तो पाकिस्तान सरकार की यानी इमरान खान सरकार ना ही वहां की आर्मी इसमें बीच में कूदना चाहती है, क्योंकि 2017 में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ इसी तरह का प्रदर्शन किया था और उस वक्त खुद आर्मी के ऑफिसर्स उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को पैसे देते हुए दिखाई दिए थे। और उस वक्त बाकायदा आर्मी ने एक बयान जारी किया था कि पीएम को चाहिए कि वो प्रदर्शनकारी पीएलपी के जो कारकुन हैं उनके खिलाफ सख्ती ना बरते, क्योंकि इससे पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। यानी एक आर्मी चीफ सलाह दे रहे होते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुलेआम, बाकायदा इसको एक बयान भी जारी किया जाता है। और उस वक्त खुद इमरान खान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, तो आज वो किस मुंह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के का विरोध करेंगे? ये कहीं ना कहीं पेच ऐसा फंसा हुआ है जिसको लेकर पाकिस्तान की सरकार जो है वो पूरी तरह से फंसी हुई है। लेकिन इस बीच में फंसे हैं पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां, जो कि जिनको दौड़ा दौड़ा कर फिलहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन पीट रहे हैं। इस वक्त जो हालत है उसके मुताबिक कराची, गुजरावाला, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, हैदराबाद, सखर, इन तमाम शहरों में जगह जगह पर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और इनको जोड़ने वाले जो मोटरवे हाईवेज हैं उनको जगह जगह जाम लगा रखा है, टेंट लगा दिए हैं टीएलपी के कारकुनों ने और जगह जगह वो वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं और वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कुर्सियाँ भी बिछा दी गई हैं। कुछ ही घंटों के अंदर ये हालात धीरे धीरे बदतर होते जा रहे हैं। जगह जगह जहाँ जो हिंसक प्रदर्शन के दौरान जो घायल भी हो रहे हैं उनके लिए अस्पतालों तक पहुंचने के लिए भी रास्ता नहीं है। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर फंसी हुई है। 2-3 साल पहले जिनका वो प्रदर्शन जिनका वो समर्थन किया करती थी, आज वो उनके खिलाफ खड़े हैं। मांगे यही है कि फ्रांसीसी सरकार के जो एम्बेसडर है, फ्रांस के जो एम्बेसडर है उनको बाहर निकाला जाए, फ्रांस पर पाबंदी लगाई जाए, उनके सामान पर पाबंदी लगाई जाए, उन पर दबाव बनाया जाए। हालांकि ये दिलचस्प होगा ये जानना कि फ्रांस के कितने प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इस्तेमाल होते होंगे और कितनी तजारत, कितना बिजनेस दोनों देशों के बीच होता होगा, उस पर पाबंदी लगाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि फ्रांस जैसे एक पावरफुल देश, यूरोप के एक पावरफुल देश के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने में वो सक्षम हो। वो ऑलरेडी पूरी दुनिया में आइसोलेट हो रखी है, लोग पहले ही देश तमाम देश उसका साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे में वो किसी देश पर भले क्या कार्रवाई करेगी, अजीब सी स्थिति है। लेकिन जो कट्टरपंथी बरेलवी सेक्ट है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सरकार को घुटनों पर लाकर उसने खड़ा कर दिया है। बहरहाल आगे देखिए होता है क्या, पाकिस्तान उसी आग में, जैसे कि मैंने बताया कि इस्लामिक कट्टरपंथ की आग में अब खुद धीरे धीरे झुलस रहा है और ये आग वो खुद दूसरे देश में लगाता रहता है। लेकिन जब बोए बेड़ बबूल के तो फूल कहाँ से हो। नमस्कार।